कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक श्री देवी कुभद्रकाली मंदिर में दूसरे दिन भी नवरात्र उत्सव पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़े नजर आई। श्रद्धालु भारी संख्या में माथा टेकने पहुंचे। मन्नत पूरी होने पर यहां घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। श्रद्धालुओं ने कहा कि माता के दरबार में आकर सुकून मिलता है। बता दें, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक श्री देवी कुभद्रकाली मंदिर में दूसरे दिन भी नवरात्र उत्सव पर श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचे। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ माता के दरबार में आकर उन्हें सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ देवी सती का गुल्फ यानी दाहिना टखना गिरा था। वहीं माता के मंदिर में मन्नत पूरी होने पर घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। लोग यहाँ सोने चांदी व मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। मंदिर में आए श्रद्धालु सुखविंदर शर्मा ने कहा कि ये मंदिर का सिद्ध शक्ति पीठ है। ये हरियाणा का एकमात्र सिद्ध शक्ति पीठ है, जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि यहाँ बलराम व श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था। वह यहाँ महाभारत युद्ध में विजय से पूर्व पांडवों ने देवी माँ से विजयश्री का आशीर्वाद लिया था। वह विजयश्री मिलने पर घोड़े चढ़ाए थे। सुनीता देवी ने कहा कि माता के दरबार में आकर सुकून मिलता है। वहीं पंचकुल्ला से दिनेश कुमार ने कहा कि यहाँ देवी के चरण गुल्फ यानी दाहिना टखना गिरा था। बता दें, माँ भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में आज नवरात्रि महापर्व के दूसरे दिन भी भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ी नजर आई। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ मंदिर में आके दर्शन करने, और बहुत ही ये हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध से पहले पूजा अर्चना की थी, और राम जी का कृष्ण जी का मुंडन नहीं हुआ, और जो यहाँ पे घोड़े चलाने की प्रथा शुरू हुई है वो महाभारत युद्ध काल से शुरू हुई है। इन्होंने अपनी मन्नत मांगी थी कि अगर हमारे युद्ध में विजय होती है तो हम यहाँ पे चांदी के घोड़े चलाएंगे, ठीक है। तो जब महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई उसके उपरांत ये घोड़े चलाने की प्रथा चल पड़ी है। अभी लोग अपनी मन्नत मांगते हैं, जिसकी मन्नत पूरी करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार चांदी के मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ये देवी को भद्रकाली मंदिर है, इसको माता का गल्फ गिरा था, तो इसलिए इसको देवी को भद्रकाली मंदिर बोलते हैं। जी, आपका पूरा नाम? सुखविंदर शर्मा। यहाँ तो स्वर्ग है जी, ठीक है। माता रानी के दरबार में बहुत आगे शांति मिलती है हमें, घर की सुख शांति होगी, और माता रानी अपने दरबार में हमें बुलाती रहे, हम तो इधर पे आते रहे। जी, अपनी भक्ति रो शक्ति रो, हमें डेली हम सत्संग भी करते हैं, माता रानी की कृपा है हमारी, बस ऐसी कृपा बनाई जाती है। ये भद्रकाली देवी कूप है कुरुक्षेत्र में, बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है। यहाँ पर देवी जी के चरण पड़े थे, और हम पंचकुले से आए हैं, और यहाँ इतनी शांति इतना आराम मिला, माता के बहुत खुले बहुत अच्छे दर्शन हुए। कल भी हमने यहाँ पर शोभा यात्रा निकली थी, उसका भी आनंद लिया, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया लगा। जय माता।